दतिया जिले में शनिवार को 1,01,071 पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले के सभी तहसील मुख्यालय और नगर निकायों में वृक्ष रोपित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने ऑक्सीजन पार्क में वृक्षारोपण किया। इसके अतिरिक्त सिटी पार्क में भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन द्वारा स्मृति वन में भी वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राएं सहित जिला स्काउट गाइड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके साथ ही नगर परिषद इंद्रगढ़ में भी तहसील परिसर में नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव और नायब तहसीलदार मनोज दिवाकर द्वारा 1 सैकड़ा वृक्ष लगाए गए। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर दतिया जिले में 1 पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत जिले भर में 13 चिन्हित स्थानों पर कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने कहा कि धरती को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधों का रहना जरूरी है। वनों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। शनिवार को कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के निर्देशन पर आयोजित दतिया जिले में वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले के 13 स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगरीय निकायों और महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से जिले भर में आयोजित हुआ, जिसमें निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जिले भर में लगभग 1,00,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिले के सभी अधिकारी, वरिष्ठ नागरिकगण, जनप्रतिनिधि शामिल रहे। शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। हाँ, आज जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर और आसपास वृक्षारोपण के निर्देश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थे, तो 1100 पौधों का आज वृक्षारोपण पौधारोपण अपन कर रहे हैं, जिसके तारतम्य में कुछ स्पॉट्स अपन ने ऐसे चयनित किए जो प्रोटेक्टेड हों, ऐसे ओपन लगा दें जानवर खा जाएं। इस बार पूरे जिले में एक भी पौधा हमने ऐसा नहीं लगवाया है, जो भी है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बाउंड्री वॉल्ड एरिया में लगाए हैं, जिसके तारतम्य में ये सिटी पार्क, अभी वो ऑक्सीजन पार्क में, स्मृति वन में, सब जगह आज हम लोग ने महिला बाल विकास के सौजन्य से और उनके सहयोग से और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिलके ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और वी होप कि ये सारे पौधे जीवित रहें।